दोस्तों मशीनें बड़ी ही तेजी के साथ हमारे भविष्य को बदलती जा रही हैं। दोस्तों आज हमारा यह आपसे दावा है कि जो फैक्ट्री मशीनें आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कारखाने में गणपति बाप्पा की मूर्ति को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी बाप्पा के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ उस घंटे के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉट वाटर बैग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब भी हमारे पैर घुटनों या गर्दन पर पेन होता है जिसके लिए हम अक्सर मेडिसिन लेने के बजाय इस हॉट वाटर बैग का यूज करते हैं जिसमें हम गर्म पानी को भरकर हमारे पेन वाले पार्ट्स को सहलाते हैं जिससे दर्द एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा, तो चलिए ये भी आज जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े रबड़ को रोलिंग मशीन में डाला जाता है जो इसे अच्छी तरीके से मैश करके रबर को पतला एकदम शीट जैसा आकार दे देती है। जिसे एक कर्मचारी रोल बनाकर दूसरी जगह रखता है तथा उसे पुनः एक हॉट चैम्बर मशीन में डाला जाता है जो इसकी ओर पतली लेयर बना देती है तथा इसे गर्म पानी के कंटेनर में से गुजारती है। इस प्रोसेस के बाद इस लेयर को कटिंग मशीन में भेजा जाता है जो इसे हॉट वाटर बैग्स के शेप में काट देती है। आगे एक कर्मचारी काटे हुए पीसेस को अलग करता है और बचे हुए रबर को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है जिससे और बैग्स को बनाया जा सके। अब इन बैग्स को एक मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है जहां इन रबर के दो लेयर्स को एक साथ जॉइंट कर दिया जाता है। तथा कर्मचारी द्वारा हाथ से एक्स्ट्रा रबर को हटा दिया जाता है। बाद में इन्हें पुनः गर्म पानी में डुबोकर पॉलीथीन से इन हॉट वाटर बैग को पैक करके इन्हें सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। मॉस्किटो बैट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों मॉस्किटो बैट का यूज मच्छरों का खात्मा करने में किया जाता है। दोस्तों मच्छर बहुत सारी घातक बीमारियों का कारण बनते हैं जिनकी संख्या को कम करने में मॉस्किटो बैट का बहुत बड़ा जिम्मा है। इसमें लगे इलेक्ट्रिक तारों के कारण मच्छरों की सारी हड्डियां बाहर आ जाती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे इस मॉस्किटो बैट को बनाया जाता है। सबसे पहले एक जाली की तरह ही एल्यूमिनियम तार से इस मॉस्किटो बैट के शेप को तैयार किया जाता है जिन पर एक कर्मचारी द्वारा हाथों से तारों को अटैच किया जाता है जिसमें हाई वोल्टेज करंट को भेजा जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इन्हें एक पंचिंग मशीन बैट के शेप से कवर कर देती है। आगे कर्मचारियों द्वारा इस बैट की ग्रिप में पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और छोटे सर्किट को लगाया जाता है। इसके बाद इस एल्यूमिनियम बैट और पीसीबी दोनों को अटैच कर दिया जाता है जिन्हें स्क्रू द्वारा अच्छी तरीके से फिट कर दिया जाता है और आखिर में इन बैट्स की टेस्टिंग की जाती है और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं गणपति मूर्ति मेकिंग। दोस्तों गणपति बाबा को मुंबई का राजा कहा जाता है। मुंबई में बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। यही नहीं संपूर्ण देश में इस पावन अवसर को मनाया जाता है। तो आज यह मशीनरी जोन आपके उल्लास को और ज्यादा बढ़ा देगा और आपको बताएंगे कि कैसे इस मूर्ति की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों गणपति जी की मूर्ति को बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन किया जाता है। इसे अच्छी तरह से मिलाकर उसका लो यानी आटा तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद गणेश जी की मूर्ति का आधार तैयार किया जाता है। इसके
उसके बाद उनका पेट, हाथ, पैर, मुंह, मुकुट आदि को तैयार किया जाता है। इस संपूर्ण प्रोसेस के बाद इन्हें मिट्टी के आभूषणों से सजाया जाता है। मुकुट में हाथ से ही भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन को निकाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस मूर्ति को सुखाया जाता है। अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद अब इसे घिस घिस कर चिकना बनाया जाता है। बाद में सबसे पहले इन पर व्हाइट कलर को असेंबल किया जाता है। फिर इस पर कलर की पेंटिंग की जाती है। अब गणेश जी की आंखों और मुकुट को एक विशेष कलाकार द्वारा अच्छी तरीके से पेंट द्वारा लुक दिया जाता है। बाद में इनके मुकुट और हार पर आर्टिफिशियल डायमंड को लगाकर इन्हें अच्छी तरीके से सजाया जाता है। कुछ और सामान्य प्रोसेस करने के बाद यह मूर्ति एकदम रेडी होती है। चर्च बेल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने मंदिरों या चर्चों में घंटियों को तो जरूर देखा होगा, तो चलिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं बेल मेकिंग प्रोसेस। इन घंटियों को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल और एल्यूमिनियम को पिघलाकर इनका लिक्विड तैयार किया जाता है, जिसे उसी समय घंटी के मोल्ड शेप में डाल दिया जाता है। बाद में कुछ देर तक इन्हें ठंडा किया जाता है। अब इस बेल को उस मोल्ड शेप में से निकाला जाता है, जिसकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है। तथा ग्राइंडर मशीनों द्वारा इन्हें अच्छी तरीके से शेप और पॉलिशिंग दी जाती है। और इस तरह यह घंटी एकदम से बनकर तैयार होती है। इसे मंदिरों या चर्चों में असेंबल कर दिया जाता है। एरोप्लेन जितना ही बड़ा होता है, उसमें उतने ही बड़े जेट इंजन को लगाया जाता है। जेट इंजन का उपयोग रॉकेट, मिसाइल, एरोप्लेन आदि में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इतने बड़े जेट इंजन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्री में जेट इंजन को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेट इंजन काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक कंप्रेसर की हेल्प से हवा ईंधन के साथ मिल जाती है, जिससे ये ईंधन ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने आप जलने लगता है, जिससे बहुत तेज गर्म हवा का प्रोडक्शन होता है, जिससे कोई भी एयरप्लेन आगे की ओर बढ़ पाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर यह जेट इंजन बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह धातु ज़्यादा गर्म नहीं होती है। अब आप यह जानकर चौंक जाओ कि इसे बनाने में लगभग 5 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 747 छोटे इंजन एक साथ असेंबल किए जाते हैं। इस इंजन में सबसे पहले पंखे का एक ब्लेड बनाया जाता है, जो कि कंप्रेसर का काम करता है। इस प्रोसेस के बाद एक कंप्रेसर डिस्क को बनाया जाता है, जो बिजली पैदा करने का काम करता है। इसे कंप्रेसर ब्लेड के ठीक पीछे बहुत मजबूती से लगाया जाता है, ताकि टरबाइन घूमे और बिजली पैदा हो। इस बिजली का उपयोग एयरप्लेन में अन्य लाइटों या डिवाइस को चलाने में किया जाता है। इस डिस्क को मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसे एक सिरेमिक मोल्ड मशीन में डाला जाता है और फिर गर्म किया जाता है और वापस ठंडा किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद फायर चेंबर को बनाया जाता है, यानी दहन कक्ष, जो कि टाइटेनियम से बना सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो ब्लेड और कंप्रेस डिस्क और फ्यूल को टकता है। इस प्रोसेस के बाद अब अंदर कई अन्य छोटे छोटे डिस्क और गियर को असेंबल किया जाता है। अब इसके सभी अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है,
इस प्रक्रिया के बाद इसमें टरबाइन को फिट किया जाता है जो बिजली प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस प्रोसेस के बाद पुनः मशीनों द्वारा इसकी फुल जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इसे विमान निर्माता को भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की फैक्ट्री मशीनें आपको कैसी लगी और गणपति बाबा के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।